किया जाएगा शाम 4 बजे ऑनलाइन शिक्षकों से संवाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। और क्योंकि उपचुनाव है आने वाले समय में, तो इस मौके को देखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अगली खबर भोपाल से ही हमें मिल रही है इस वक्त की एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां छात्रों से जुड़ी हुई खबर है। मध्य प्रदेश में फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे, फीस नियंत्रण के लिए सरकार अधिनियम लाएगी। वहीं कोरोना की स्थिति को काबू करने के बाद जब हालात काबू में होंगे उसके बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। और सीधे रुक करेंगे, वैभव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में कि अभी फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे? बिल्कुल जी, 30 सितंबर तक जो गाइडलाइन आई है अनलॉक की, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसमें स्पष्ट है कि अभी स्कूलों को लेकर किसी भी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि पालक महासंघ के द्वारा हाईकोर्ट में भी शिकायत की गई और कई निजी स्कूलों के द्वारा कोरोना के दौरान जब स्कूल बंद रहे उसके बाद भी परिजनों से फीस की डिमांड की गई। जब परिजनों ने फीस नहीं भरी तो उन्होंने जो बच्चे की ऑनलाइन आईडी होती है जिसके माध्यम से कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, उस आईडी को ब्लॉक कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट और सरकार की चेतावनी के बाद निजी स्कूलों ने जो ऑनलाइन आईडी को ब्लॉक किया तो उस आईडी को ओपन कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की अन्य कोई फीस पालकों के से स्कूल प्रबंधन के द्वारा नहीं ली जाएगी। इसको लेकर अब हालांकि हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है और अभी भी सुनवाई चल रही है, सरकार भी इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। अब से कुछ दिन पहले जब इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे को लेकर गए थे तब कुछ महिलाओं ने शिकायत भी की थी शिवराज सिंह चौहान से कि स्कूलों की मनमानी चल रही है, स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चे भी परेशान हो रहे हैं और परिजन भी परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए कोई अच्छा सा कदम उठाइए ताकि लोग परेशान ना हो। तो कल जो स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार, उनके द्वारा कहा गया कि लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हम फीस नियंत्रण अधिनियम लेकर आएंगे ताकि निजी स्कूलों के द्वारा जो परिजन होते हैं उन पर दबाव ना बनाया जाए फीस को लेकर। और इसके साथ ही इंद्र सिंह परमार ने कहा कि कोरोना के दौरान स्कूल नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर स्कूल खोले जाते हैं, अगर कोई बच्चा कोरोना का संक्रमण का शिकार हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर आ जाएगी। और वर्तमान में सरकार के पास स्कूलों के अलावा भी तमाम तरह की जिम्मेदारी है, प्रदेश की जनता को भी कोरोना के संक्रमण से बचाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसलिए अभी स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही फीस को कंट्रोल करने के लिए अधिनियम लेकर आया जाएगा ताकि जो निजी स्कूलों की मनमानी है उस पर लगाम लग सके। जी बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। तो छात्रों से जुड़ी हुई खबर 30 सितंबर तक